हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हैशटैग क्रिएटिव आरती पोरवाल। दोस्तों, मैं हूँ आरती और आज मैं नीट 2021 स्टूडेंट्स के लिए, जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लाई हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि नीट 2021 की जो एग्ज़ाम डेट है वो अनाउंस कर दी गई है, 1 अगस्त को आपका एग्ज़ाम होना है और अब आपके पास टोटल 4.5 महीने बाकी हैं। तो इन 4.5 महीनों में अब आपको कैसे तैयारी करनी है, आपका क्या शेड्यूल होना चाहिए और किन चीज़ों पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ये सारी बातें इस वीडियो में आज हम जानेंगे। लेकिन इसके पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या नए हैं मेरे चैनल पर, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके आगे जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर भी करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं। दोस्तों, नीट 2021 की तैयारी के लिए आपको एक अच्छा खासा टाइम मिल गया है। आज 15 मार्च है और आपका एग्ज़ाम 1 अगस्त को है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जोड़ लीजिए तो आपके पास पूरे 4.5 महीने हैं। तो इन 4.5 महीनों को आपको कैसे यूटिलाइज़ करना है, कैसे इन 4.5 महीनों में आपको पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ना भी है और रिवाइज़ भी करना है, तो क्या शेड्यूल होना चाहिए कि आप जो है किस तरह से नीट 2021 की तैयारी करें कि आपको इस बार 600 के ऊपर मार्क्स लाने ही हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ही खाली आपको नहीं है, आपको किसी अच्छे MBBS कॉलेज में एडमिशन के लिए कम से कम 600 के ऊपर नंबर लाने होते हैं और एम्स में अगर आपको एडमिशन लेना, एम्स आपका सपना है, तो आपको 700+ मार्क्स लाने हैं। तो दोस्तों, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। और इस बार आपको बता दूं, नीट 2021 का जो पेपर है वो बहुत ही आसान आएगा, इजी आएगा। तो दोस्तों, आपको लेकिन फिर भी तैयारी आपको जैसे बिल्कुल जोश के साथ करनी है, तो आपको तैयारी करने में किन तीन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होनी चाहिए, किन तीन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, वो पहले आप समझ लीजिए। दोस्तों, मेरा फंडा है CCC का। अगर आपके पास CCC है तो आप कोई भी कॉम्पिटिशन हो, चाहे नीट का हो या बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या कोई भी काम हो, आप तुरंत उस पर जो है विजय हासिल कर सकते हैं। तो वो CCC क्या है दोस्तों? पहली चीज़ है कॉन्फिडेंस। आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए कि आपको ये एग्ज़ाम पास कर लेंगे। ये नहीं है कि भगवान क्या होगा, ये सब नहीं सोचना है। आपके अंदर फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, मैं नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लूँगा, अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर लूँगा। दूसरी चीज़, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस के साथ कंसंट्रेशन है, यानी अगर आप पढ़ाई पूरे मन से कर रहे हैं, कंसंट्रेशन के साथ कर रहे हैं, तो भी आपको नीट का एग्ज़ाम पास करने से कोई भी नहीं रोक सकता। और तीसरी चीज़ है सी से क्रिएटिविटी, यानी कोई भी काम अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं उसको क्रिएटिविटी के साथ करिए, यानी अगर आपने जो याद किया है उसको क्रिएटिव ढंग से याद करिए, अच्छे ढंग से याद करिए, उसको लिख के याद करिए, नोट्स बनाइए, फिगर बनाइए, डायग्राम बनाइए, फ्लो चार्ट बना के जहाँ आप बैठते हैं पढ़ने वहाँ पर चिपका लीजिए। मतलब कोई भी क्रिएटिव तरीका हो जिससे आप बोर ना हो सके, आपको बोरिंग ना लगे और पढ़ाई करने में और ज़्यादा मन लगे। तो दोस्तों, ये तीनों चीज़ें अगर आपके अंदर आ गई तो आप कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे नीट का हो या कोई भी कॉम्पिटिशन, आप क्वालिफाई कर सकते हो। और दूसरी चीज़ आपको बता दूँ, नीट की तैयारी के लिए जो 4.5 महीने का टाइम आपको मिल रहा है, इसको आपको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। एक एक दिन आपके लिए बहुत कीमती है। जो बच्चे पूरी पढ़ाई सीरियसली कर चुके हैं उनको अब रिवीजन करना है। आप जो भी चैप्टर याद करते जा रहे हैं उनको रिवाइज करते जाइए। और जिन्होंने अभी तक सीरियसली पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं पहले एग्जाम डेट आ जाए फिर हम पढ़ाई करेंगे, तो दोस्तों उनका भी अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। अभी आपके पास बहुत समय है, एग्जाम डेट आपकी आ गई है, 1 अगस्त है। तो 4.5 महीने में आप कैसे तैयारी करोगे? आप 2.5 महीने अच्छे से पूरा सिलेबस बस पढ़ लो और लास्ट के 2 महीने रिवीजन जरूर करिएगा, क्योंकि रिवीजन से ही अच्छे स्कोर आप ला सकते हो। क्योंकि कोई भी चीज़ याद तभी रहती है जब उसको आप बार बार रिवाइज करोगे। तो लास्ट के 2 मंथ आप रिवीजन जरूर करिएगा। आप कहीं पे जो नोट्स बना रहे हैं, अगर आप कोई कोचिंग कर रहे हैं वहाँ पे आपको नोट्स बनवाए जा रहे हैं, तो उन नोट्स का लास्ट में 2 महीने रिवीजन करिएगा। और बाकी आपको NCERT की ही किताबें पढ़नी है। बायो के लिए NCERT बेस्ट है और फिजिक्स में आप ज़्यादातर न्यूमेरिकल पोर्शन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत आता है। और जो बच्चे अभी न्यू पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि इंटर का एग्ज़ाम देने के बाद जो फर्स्ट टाइम नीट का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए भी मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है कि जो 1 साल कोचिंग करते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है नीट में, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट इंटर पास किए बच्चों का भी सिलेक्शन होता है। अगर आपने फर्स्ट ईयर इंटर यानी 11th और 12th की पढ़ाई बहुत ही कायदे से की है तो आपका सिलेक्शन नीट में बहुत आराम से हो सकता है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम के बाद आपको आराम से 1-1.5 महीने का जो टाइम
मिलेगा उसमें आप बहुत अच्छे से अपना सिलेबस रिवाइज कर सकते हो। और दूसरी, वो बच्चे क्या करें, वो पूरा कोचिंग के मटेरियल को तो नहीं पढ़ सकते, तो पिछले 10 ईयर्स के आप पेपर्स लगा डालो, जो अनसॉल्वड क्वेश्चंस होते हैं, मॉडल क्वेश्चन पेपर होते हैं, इनकी आप प्रैक्टिस करो। आपको बता रही हूँ यकीन से मैं कि जो लास्ट ईयर की क्वेश्चन पेपर, उनसे बहुत से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, एक अच्छा सा शेड्यूल बनाइए, टाइम टेबल बनाइए, टाइम टेबल बना के पढ़िए। अगर कुछ बच्चे चाहते हैं कि मैं उन्हें नीट पर एक अच्छा सा टाइम टेबल बना के दूँ, कितने घंटे उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजिएगा, मैं तुरंत उनको वीडियो अपलोड कर दूँगी। और दूसरी, मैं सभी नीट स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट कहती हूँ कि वो अभी से, आज ही से तैयारी में जुट जाएँ, क्योंकि ये 4.5 महीने आपको गंवाने नहीं हैं। अच्छी से तैयारी करनी है, रिविज़न भी करना है, सारा सिलेबस पढ़ना है, कोई भी जो काम है वो इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे तो आप ज़रूर सिलेक्ट होगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि और भी बच्चों को इससे मोटिवेशन हो सके और उन्हें मोटिवेशन मिल सके। और कोई भी अगर आपको इस तरह का वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा, मैं आपको देती रहूँगी सारी अपडेट नीट से रिलेटेड। थैंक यू।